गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बी पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बी पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी टॉपिक का चयन किया है, सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस। और सामाजिक प्रक्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 15वीं मुलाकात है और आज के इस वीडियो में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक प्रक्रियाओं के दो पक्ष हैं, सहयोगात्मक और असहयोगात्मक। असहयोगात्मक पक्ष के संदर्भ में आज हम जानेंगे संघर्ष के बारे में, संघर्ष कि जो एक सामाजिक प्रक्रिया है कॉन्फ्लिक्ट, उसके संदर्भ में आज हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। पहले मेनली कॉन्फ्लिक्ट है क्या। संघर्ष को एक मौलिक और सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। पूर्णतः संघर्ष रहित समाज का पाया जाना असंभव है। जब कोई व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा का मार्ग छोड़कर हिंसा की धमकी का सहारा लेता है, विरोधी को नुकसान पहुंचाने, उसे पराजित करने या समाप्त करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। जब विरोधी के प्रति घृणा और क्रोध के भाव बहुत तीव्र हो जाते हैं तो उस पर आक्रमण करने और उसे हानि पहुंचाने की इच्छा बलवती हो जाती है, परिणाम स्वरूप संघर्ष होता है। संघर्ष में साधनों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना साध्य या लक्ष्य की प्राप्ति पर। जब अनेक व्यक्ति और समूह किसी सीमित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उनका मुख्य ध्यान लक्ष्य पे ही रहता है, चाहे उन्हें कैसे ही साधन क्यों ना अपनाने पड़े, तो ऐसी स्थिति में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। संघर्ष का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब कोई व्यक्ति या समूह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी को नुकसान पहुंचाने, नष्ट करने, उनके हितों को चोट पहुंचाने या उनके कार्यों में बाधा डालने का प्रयत्न करता है, तो इसे संघर्ष के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे प्रयत्नों में शक्ति, हिंसा, प्रतिकार या विरोध का सहारा लिया जाता है। इनकी सहायता से अन्य व्यक्तियों या समूहों के लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। संघर्ष का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैकीवर और पेज अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहते हैं, सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते या विवाद करते हैं। ग्रीन, टीएच ग्रीन संघर्ष को परिभाषित करते हुए कहते हैं, संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। ग्लीन और ग्लीन अपने पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में संघर्ष को परिभाषित करते हुए कहते हैं, संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति, विरोधी को प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा की चुनौती देकर करते हैं। ये विद्वानों के विचार मंथन के उपरांत अगर हम एक कॉन्क्रीट में इसकी एक सरल सारगर्भित परिभाषा निकालने का प्रयास करें, इसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें,
तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्पष्ट है कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग या हिंसा की धमकी द्वारा दूसरों की इच्छाओं को दबाना या उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित करना ही संघर्ष है। विभिन्न विद्वानों ने संघर्ष में हिंसा, आक्रमण एवं उत्पीड़न को साधारणतः आवश्यक माना है। किंग्सले डेविस के अनुसार जहां प्रतिस्पर्धियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटाकर प्रतिद्वंद्वियों पर केंद्रित हो जाता है, वहीं संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। संघर्ष के विद्वानों के उपरोक्त विचार मंथन से अगर हम संघर्ष की विशेषताएं निकालने, चिन्हित करने, संघर्ष की विशेषताओं की चर्चा करें तो संघर्ष की ये निम्न विशेषताएं हैं। पहली है, संघर्ष के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों का होना आवश्यक है जो एक दूसरे के हितों को हिंसा की धमकी, आक्रमण, विरोध या उत्पीड़न के माध्यम से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यानी हिंसा का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसके अंदर तत्व पाया जाता है। दूसरा है, संघर्ष एक चेतनशील प्रक्रिया है, कॉन्शियसनेस है, जिसमें संघर्षरत व्यक्तियों या समूहों को एक दूसरे की गतिविधियों का ध्यान रहता है। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ विरोधी को मार्ग से हटाने का प्रयास भी करते हैं। तीसरा है, संघर्ष एक व्यक्तिक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि संघर्ष में ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित न होकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है। और चौथा है, संघर्ष एक अनवरत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसका अर्थ यह है कि संघर्ष सदैव नहीं चलता रहता बल्कि रुक रुक कर चलता है। इसका कारण यह है कि संघर्ष के लिए शक्ति और अन्य साधन जुटाने पड़ते हैं जो किसी भी व्यक्ति या समूह के पास असीमित मात्रा में नहीं पाए जाते। परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति या समूह सदैव संघर्षरत नहीं रह सकता। जब असला खत्म हो जाएगा, जब साधन खत्म हो जाएंगे तो संघर्ष की मात्रा शिथिल पड़ जाएगी और जैसे ही वो इधर उधर से जुटा लेंगे फिर वापस तीव्र हो जाएगा। और पांचवा और अंतिम इसका जो कैरेक्टर है वो ये है कि संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसका तात्पर्य यह है कि संघर्ष किसी न किसी रूप में समाज और प्रत्येक काल में कम या अधिक मात्रा में आवश्यक रूप से पाया जाता है। यानी ये हर समाज में हमें देखने को मिलता है। हाँ, इसके स्वरूप और इसकी प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। संघर्ष की विशेषताओं की चर्चा के उपरांत अब हम चर्चा कर रहे हैं संघर्ष के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष के विभिन्न स्वरूपों में गिलिन ने इसके पांच स्वरूपों की चर्चा की है। पहला है व्यक्तिक संघर्ष, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। आपसी हितों के टकराने से व्यक्ति व्यक्ति के बीच होने वाला संघर्ष व्यक्तिक संघर्ष के अंतर्गत आता है। ऐसे संघर्ष में विरोधियों में एक दूसरे के प्रति घृणा, वैमनस्य, शत्रुता के भाव पाए जाते हैं। दूसरा है प्रजातीय संघर्ष, रेसिकल कॉन्फ्लिक्ट। यह समूहगत संघर्ष में आता है। एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति में शारीरिक अंतर स्पष्ट दिखता है।
और जब दो भिन्न प्रजातियां एक दूसरे से संपर्क में आती है तो कई बार उनमें संघर्ष भड़क उठता है, इसे ही प्रजातीय संघर्ष कहते हैं। अब हम तीसरे संघर्ष की चर्चा करेंगे। तीसरे संघर्ष का नाम है वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। आज वर्ग संघर्ष विश्व के अनेक देशों में भीषण रूप से रूप धारण करता जा रहा है। जब एक समूह अपने को श्रेष्ठ और अन्य को हीन समझकर अपने स्वार्थ हितों के लिए उसे अपने अधिकार में रखने का प्रयास करता है तो वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। इस प्रकार के हितों में आर्थिक लाभ, राजनीतिक शक्ति या सामाजिक प्रतिष्ठान आते हैं। चौथा है राजनीतिक संघर्ष, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। राजनीतिक संघर्ष के दो रूप देखने को मिलते हैं। प्रथम, एक ही राष्ट्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच पाया जाने वाला संघर्ष, और दूसरा विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला संघर्ष, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहा जाता है। जिन राष्ट्रों में विचार व्यक्त करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है और प्रजातंत्रात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, वहां अनेक राजनीतिक दल बन जाते हैं। ये दल अपने सिद्धांतों, नीतियों, कार्यक्रमों के आधार पर शांतिमय तरीके से जनता का समर्थन प्राप्त कर अपनी अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। इसे राजनीतिक दलों के बीच पाए जाने वाली प्रतिस्पर्धा कहा जाएगा, लेकिन कई बार राजनीतिक दल दूसरे दल या विरोधी नेताओं के विरुद्ध घृणा फैलाते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं, चरित्र हनन का प्रयास करते हैं, और जब ये बातें बढ़ जाती है तो टकराव होता है, मारपीट होती है, हत्या तक का सहारा लिया जाता है। यह राजनीतिक संघर्ष है। और अंतिम और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रकार का संघर्ष सामूहिक संघर्ष का एक प्रकार है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच समय समय पर होने वाले युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के उदाहरण हैं। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच हुए युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के अंतर्गत ही आते हैं। आज संसार के प्रमुख राष्ट्र दो विरोधी गुटों में विभक्त हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध घृणा फैलाते रहते हैं, विषैला प्रचार करते रहते हैं, जिससे आपसे तनाव और संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। कल हम बात करेंगे संघर्ष के कारण, कॉजेस की। मित्रों, प्रत्येक मेरी वीडियो के अंत में आपसे मेरी यही सलाह रहती है, आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके वे मित्र, वे साथी, क्लासमेट्स जिनके पास किन्हीं कारणों से ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं, उन तक पहुंचें, बेहतरीन सामग्री उनको प्रोवाइड करवाएं। और हाँ, आपकी इन वीडियोज़ के परिप्रेक्ष्य में कोई समस्या, जिज्ञासा, कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो आप अवश्य रूप से अवगत कराएं, इनबॉक्स में आके कमेंट करें, एक बात। दूसरी बात मित्रों, कोरोना अब बड़े ही एक खतरनाक रूप में फैल रहा है, डरना नहीं है। हम पिछले एक साल से इसके साथ यात्रा कर रहे हैं और बड़ी बहादुरी के साथ, बहुत ही आपने समझबूझ के साथ कोरोना का सामना किया है और इसे पराजित करने में एक बहुत अहम रोल अदा किया है। आपको वही मजबूती अभी भी दिखानी है और राज्य सरकार के द्वारा जो समय समय पे गाइडलाइंस दी जा रही है उनकी अनुपालना करनी है।
अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का, विशेषतः परिवार के वृद्ध जनों का विशेष ध्यान रखना है। अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है, अनावश्यक वस्तुओं को नहीं छूना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, मास्क लगा के रखना है। जो भी सरकार आपको गाइडलाइन दे रही है उन सबकी कठोरता से अनुपालना करनी है, और साथ ही हमें अध्ययन अध्यापन पे भी अपने आप को केंद्रित रखना है। इसके लिए हमें सुबह सुबह योग प्राणायाम मेडिटेशन जो भी आप करते हैं वो घर पे ही गतिविधियां करनी हैं, और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।